हेलो भी सारे, कैसे हो? हमारा आज का टॉपिक है स्टेजेस बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रायल। जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल चलेगा तो उससे पहले और ट्रायल में ये थ्री स्टेजेस में ये चलता है। फर्स्ट स्टेज होगी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इंक्वायरी एंड थर्ड इज ट्रायल। जब भी कोई पर्सन किसी के साथ कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो वो पुलिस के पास जाके FIR लिखाएगा, ठीक है? अगर उसके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो FIR लिखाएगा सेक्शन 154 में, 154 क्लॉज 1 ऑफ CRPC। वहाँ से मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। जब FIR रजिस्टर होगी तो वहाँ से स्टेट मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी और उसका एंड जाके होगा जजमेंट में, ठीक है? और पर ये जो पूरा जो प्रोसीजर है ये बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्लियर है? उन स्टेजेस को समझते हैं हम। सबसे पहले FIR होगी, फिर जब FIR होगी तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी। पुलिस रिपोर्ट मींस चलान या फिर चार्जशीट, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, उसके बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस होगा, उसके बाद उसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, फिर हियरिंग ऑफ चार्ज होगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा, या तो प्ली ऑफ गिल्टी होगी, वो अपना गुनाह जो है अक्यूज्ड मान लेगा, और अगर नहीं मानेगा तो ट्रायल चलेगा। ठीक है, और ट्रायल के बाद जजमेंट हो जाएगी। बेसिकली ये स्टेजेस हैं, कोई भी क्राइम अगर होता है तो इन स्टेजेस में जाके क्राइम होता है, मतलब क्राइम को जो सेटल किया जाता है वो इन स्टेजेस में जाके किया जाता है। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज होगी इन्वेस्टिगेशन,
सेकंड होगी इंक्वायरी, और इंक्वायरी चलेगी चार्ज फ्रेम तक। और जो लास्ट स्टेज होगी वो होगी ट्रायल की। जो तो फर्स्ट स्टेज होती है ये करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन हमेशा करती है पुलिस। और जो लेटर टू स्टेजेस हैं ये करती कोर्ट। जब एफआईआर रजिस्टर हो गई, पुलिस ने एफआईआर कर ली सेक्शन 154 क्लॉज 1 में, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। और जब एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पुलिस क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सबमिट कर देती है कि ये अक्यूज था, इसके खिलाफ हमें ये सबूत मिले हैं और हम इसे ऐसे प्रूव करेंगे। और वो सेक्शन 173 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। बेसिकली उसमें एफआईआर होने से लेके जो कंप्लेनेंट होता है उसकी कंप्लेंट के कंटेंट्स होते हैं, फिर जो पुलिस प्रोसीडिंग होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होते हैं उनके बारे में डिटेल में लिखा होता है, और कैसे प्रूव करेंगे, जो विटनेसेस की लिस्ट होती है वो मेनली लगी होती है। मतलब अगर हम रिपोर्ट की तरह बात करें 173 में जो पुलिस रिपोर्ट होती है, जो चार्जशीट होती है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, तो उसमें पहले कंप्लेंट जो होती है वो उसके बारे में डिटेल में लिखा होता है, फिर पुलिस प्रोसीडिंग जो की होती हैं उसके बारे में लिखा होता है ब्रीफ में, फिर जो डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच किए हैं वो होते हैं, उनकी लिस्ट लगी होती है और वो डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, और विटनेसेस जो होते हैं वो भी लगे होते हैं, और ऑफ कोर्स एफआईआर की कॉपी भी लगी होती है। ये मेनली इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, और उसको सबमिट कराया जाता है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, सबसे पहले देखती है कि ये जो है जो 173 की रिपोर्ट है ये है इतनी इसमें कि हम केस चलाएं। उसके बाद कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस किया जाता है। इश्यू ऑफ प्रोसेस में अक्यूज को बुलाया जाता है, संबंध देने संबंध दिए जाते हैं, जनरली वरंट निकाले जाते हैं, जो भी है इश्यू ऑफ प्रोसेस शुरू करके उसको बुलाया जाता है। फिर जब वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है, जब वो कोर्ट में आ जाता है, तो उसे डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद हियरिंग ऑफ चार्ज होते हैं, और हियरिंग ऑफ चार्ज में वही हैं जो थ्री स्टेजेस, जो तीन बार सुनना जरूरी है, जो एक अक्यूज है जिसने जो भी कोई ऑफेंस किया है अक्यूज्ड है, तो उसे तीन बार सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली बार उसे यहाँ सुना जाता है, हियरिंग ऑफ चार्ज के टाइम पर उसे सुना जाता है। उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है, द मोमेंट चार्ज जब फ्रेम हो जाता है तो इंक्वायरी जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है अपने आप में, और इंक्वायरी के बाद फिर ट्रायल शुरू होता है। मोमेंट चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल में सबसे पहले उससे पूछा जाता है प्ली ऑफ गिल्टी पे, कि अगर वो चाहता है अपने गुनाह को कबूल करता है तो वो प्ली ऑफ गिल्टी में उसे मतलब पूछा जाएगा कि वो अपनी गिल्टी को मानता है या नहीं मानता। और जनरली कोर्ट क्या करती है, चार्ज फ्रेम के लास्ट में ही लिख लेती है, और उसमें अगर वो अपनी गिल्टी नहीं मानता तो उसके बाद ट्रायल चलता है। और ट्रायल में भी फर्दर स्टेजेस होती हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, पर वो हम जब ट्रायल वाला चैप्टर करेंगे, हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे ट्रायल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे अगर हम थोड़ी मोटी मोटी बात करें तो ट्रायल में
प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, फिर सेक्शन 313 की कंप्लायंस होगी, डिफेंस एविडेंस होंगे, आर्गुमेंट्स होंगी, उसके बाद जजमेंट फ्रेम हो जाएगी। और जो तीन बार जो सुनना होता है, जो अक्यूज को सुनना जरूरी है, मस्ट है कि तीन बार अक्यूज को सुनना ही पड़ेगा, तो उसमें पहला एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ चार्ज होगा, और सेकंड 313 होगा, और थर्ड जो होगा वो जजमेंट के बाद होगा। मतलब ट्रायल जो है वो जजमेंट में ख़त्म हो जाता है उसके बाद, पर अदरवाइज उसके बाद जो प्रोसेस चलेगा उसमें कहीं ना कहीं क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी फर्दर, क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी उसको सुना जाएगा। जहाँ पे ये डिसाइड पहले हो चुका है जजमेंट में कि वो कन्विक्ट हो चुका है या एक्विट हो चुका है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस में सिर्फ यही सुना जाएगा कि उसको सज़ा कितनी करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, किस पोजीशन में, किस सरकमस्टांसेस में उसने ऑफेंस किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको सज़ा जो होगी वो उसको उसके डिसाइड की जाएगी कि कितनी सज़ा देनी है उसको। अदरवाइज ट्रायल जो है वो जजमेंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आज जो आपका लेक्चर तैयार हो रहा है ये पहाड़ों में हो रहा है, आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? जब भी कोई ट्रायल चलेगा उससे पहले और उसके बाद में जो होंगी टोटल 3 स्टेजेस में होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, जो पहली जो स्टेज होगी इन्वेस्टिगेशन की वो पुलिस करेगी, और जो लेटर 2 स्टेजेस होंगी वो कोर्ट करेगी, दैट इज़ इंक्वायरी एंड ट्रायल। सबसे पहले FIR होगी, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, FIR के बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो पुलिस है वो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे और ग्राउंड में जाके कलेक्शन करेंगे एविडेंसेस, विटनेसेस को लेके आएंगे, किन से विटनेसेस कराएंगे मतलब करेंगे, और उनको 161 की उनकी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश कर देंगे, सबमिट कर देंगे। और जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो सेक्शन 190 में क्लॉज 1 के बी में सबमिट होती है पुलिस रिपोर्ट, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और जो तैयार होती है वो 173 में तैयार होती है, सबमिट 190 क्लॉज 1 बी में सबमिट होगी, और जो उसका जो तैयार किया जाएगा उसका जो खाका होगा, जो उसके जो कंटेंट्स वगैरह होंगे वो 173 में रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद वो कोर्ट में सबमिट हो जाएगी, कोर्ट फिर देखेगी कि उसका कॉग्निजेंस बनता है या नहीं बनता। अगर कॉग्निजेंस ले लेगी तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा, नहीं तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कॉग्निजेंस लेगी तो फिर इशू प्रोसेस शुरू करेगी, मतलब हमें पता कैसे चलेगा एक्चुअली ये जो स्टेज है कॉग्निजेंस वाली ये कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं लगेगा, बस अगर इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसका मतलब है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस में उसको बुलाएगी, कोर्ट बुलाएगी, सम्मन, जनरली सम्मन निकालेगी, उसको सम्मन भेजेगी, और सम्मन के बाद अगर सम्मन नहीं है तो वारंट भी भेज सकती है। फिर डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे, और डॉक्यूमेंट आपको पता है कि सेक्शन 207 में सप्लाई होते हैं, सेक्शन 207 ऑफ CRPC। ऑफ CRPC में सप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद हियरिंग ऑफ चार्ज होगा, हियरिंग ऑफ चार्ज के बाद चार्ज फ्रेम होगा, अगर चार्ज हो गया फ्रेम तो हो सकता है यहीं पे वो डिसमिसल हो जाए, चार्ज फ्रेम ना हो डिस्चार्ज कर दिया जाए, पर अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो डिस्चार्ज नहीं होगा, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो जनरल रूल है उसके बाद उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, एक एक्सेप्शन है वो हम जब ट्रायल वाला करेंगे
तब देखेंगे एक्सेप्शन है उसकी, बट अदरवाइज एक बार जब चार्ज फ्रेम होगा तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा कभी भी। उसके बाद उसको या तो क्विटल किया जाएगा या कन्विक्ट किया जाएगा, क्विट या कन्विक्ट किया जाएगा पर डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। डिस्चार्ज जो है वो चार्ज फ्रेम से पहले ही किया जाएगा उसको। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ज एक बार फ्रेम होगा तो डिस्चार्ज नहीं होता, चार्ज से पहले पहले उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। फिर चार्ज फ्रेम हो गया, मोमेंट चार्ज फ्रेम हो गया तो ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल में फिर सबसे पहले प्ली ऑफ गिल्टी होगी, मतलब पूछा जाएगा उसको कि जो आप पे जो एलिगेशन लगे उसको आप मानते हो या नहीं। उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो गया, मतलब ये सारा ट्रायल ही चल रहा है। प्ली ऑफ गिल्टी भी जो है ट्रायल का ही पार्ट है। यहाँ पे जो ट्रायल लिखा है इसके लिए बेसिकली क्या था कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, 313 की स्टेटमेंट होगी, डिफेंस एविडेंस होंगे और आर्गुमेंट्स होंगी। उसके बाद जजमेंट आ जाएगी और जजमेंट के बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस की जाएगी। मतलब ट्रायल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है पर उसके बाद प्रोसीजर नहीं ख़त्म हुआ, ट्रायल ख़त्म हो चुका है, प्रोसीजर है, फिर क्वांटम ऑफ सेंटेंस होगी उसके बाद जो अकॉर्डिंगली। और ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ और ख्याल रखना कि कन्विक्शन एंड कन्फाइनमेंट आर नॉट सिनोनिम्स, ठीक है। हो सकता है कन्विक्शन हो जाए पर उसके बाद कन्फाइनमेंट ना हो। अक्यूज ने जो भी ऑफेंस किया है उसका फर्स्ट ऑफेंस था, या फिर चांसेस है कि वो सुधर सकता है, या सर्कमस्टांसेस में ऐसे हैं जिसमें उसने चोरी की है या कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो सर्कमस्टांस उसके थे जिसमें वो उसके लिए उसकी मजबूरी बन गई थी, कुछ ऐसा था, तो जहाँ पे उसको कन्विक्ट करके कन्फाइन ना किया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, उसके लिए वो सेक्शन 360 वगैरह एटसेट्रा हम देखेंगे, जहाँ पे हो सकता है उसको छोड़ दिया जाए, उसे सजा ना की जाए। मतलब कन्विक्शन और कन्फाइनमेंट सिनोनिम्स नहीं है। और वैसे भी आप देखोगे तो ज़्यादातर जो ऑफेंसेस में जो सज़ा दी हुई है वो मैक्सिमम लिखी हुई है, मैक्सिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर, तो वो जज की डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मीन्स कि वो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन नहीं है, सर्कमस्टांसिस को देख के उसने अपनी डिस्क्रिशन को उसने अपने देखना है कि मैंने सज़ा कितनी करनी है। अगर जज को लगता है कि जो उसने जो जिन सर्कमस्टांसिस में ऑफेंस किया है वहाँ पे उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए एडमोनिशन करके या प्रोबेशन पे छोड़ देना चाहिए, तो हो सकता है उसे कन्विक्ट करके कन्फाइन ना करें, जेल में ना डालें, उसे छोड़ दें। और हो सकता है कि कन्विक्ट करके और फिर सज़ा भी उसे पूरी करें, ये तो जज ने डिसाइड करना है सर्कमस्टांसिस को माइंड में रख के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको? फिर नेक्स्ट इसी के साथ एक टॉपिक और करेंगे जहाँ पे हम करेंगे कि कंप्लेंट केस में प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। अगर कोई कंप्लेंट, ये तो हो गया कि FIR हुई है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसमें FIR हुई है, तो फिर उसे कितनी कैसे स्टेजेस में चलेगा। पर सारे ट्रायल जो होते हैं वो FIR पे नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑफेंसेस जो हों वो FIR के बाद ही हों, हो सकता है कंप्लेंट में भी प्रोसीडिंग्स हों, तो वहाँ पे ये ऐसा नहीं चलेगा। उस केस में हम देखते हैं, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स अब ये भी चांसेस हैं कि कंप्लेंट में जाके ट्रायल चले, तो वहाँ पे दो स्टेजेस ही होंगी। सबसे पहले कंप्लेंट आएगी सेक्शन 200 वाली,
उसमें हो सकता है कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाए, अगर डिसमिसल नहीं किया तो फिर इशू प्रोसेस होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, फिर चार्ज फ्रेम किया जाएगा, प्ली ऑफ गिल्टी, अदरवाइज ट्रायल और फाइनली जजमेंट। अब यहाँ पे जो है स्टेट मशीनरी एक्टिव नहीं हुई है। स्टेट मशीनरी एक्टिव कहाँ हुई है? जो पिछला केस था वहाँ पे स्टेट जो मशीनरी थी वो स्टार्ट हो गई थी, मूवमेंट एफआईआर हो गई थी। पर अगर वो केस नॉन कॉग्निजेबल केस है, और नॉन कॉग्निजेबल में आपको पता है कि एफआईआर नहीं होती, उसमें डीडीआर या एनसीआर की जाती है। तो अगर डीडीआर या एनसीआर की गई है तो फिर वो क्या करेंगे वहाँ पे, या अदरवाइज भी सीधा कंप्लेंट हो रही है सेक्शन 200 वाली, तो अब जो कंप्लेंट होगी उस कंप्लेंट में इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट जो होगा वो नहीं होगा। अब यहाँ पे दो स्टेजेस रह गई हैं, इंक्वायरी इंक्वायरी स्टेज और उसके बाद ट्रायल। ये सेम है जो पहले चल रहा था, वही सेम है इसमें। बस इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट जो है वो उसमें मिस कर गया। पर ये भी है, पॉसिबल है कि इंक्वायरी के बीच में कहीं पे जाके लगे मजिस्ट्रेट साहब को, जज को लगे कि जो है इसमें भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, कोई कंप्लेंट आ गई है पर इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हुआ है, या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। कई बार हो सकता है कि पुलिस ना रिकॉर्ड कर रही हो, एफआईआर ना कर रही हो, और उसमें जो है कंप्लेनेंट सीधा जाके कोर्ट में कंप्लेंट डाल रहा है, और उसमें कहीं बीच में कहीं जब कंप्लेंट में जब चल रही है जहाँ पे उसने कोर्ट ने कहीं पे कोर्ट को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के साथ ओवरलैप कर जाए बीच में किसी स्टेज पे आके, जो इंक्वायरी है उसको रोक दिया जाए और उसमें इन्वेस्टिगेशन बीच में कर दी जाए। ये भी पुलिस के, ये भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है, बीच में इंक्वायरी के बीच में भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, तब तक जो है इंक्वायरी जो है वो रोक दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद फिर इंक्वायरी चल पड़ेगी। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे जाके इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर कंप्लेंट प्रोसीडिंग है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, अदरवाइज जनरली दो स्टेजेस ही होंगे, इंक्वायरी स्टेज और ट्रायल स्टेज। पर बीच में कहीं लग रहा है ये है मैजिस्ट्रेट के पास, जज के पास अपनी पावर है कि जहाँ पे वो बीच में इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेज विद इंक्वायरी स्टेज। ये भी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि दो स्टेजेस ही हों कंप्लेंट प्रोसीडिंग में, पर पॉसिबिलिटी है कि जनरली दो स्टेजेस ही होंगी, इंक्वायरी स्टेज और ट्रायल स्टेज। ये सब सेम ही है, बस कंप्लेंट में ये डिसमिसल होती है, कंप्लेंट होगी या डिसमिसल होगी उसके बाद इशू प्रोसेस होंगे। अगर डिसमिसल होगी तो फिर तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, पर अगर डिसमिसल नहीं होती तो फिर इशू प्रोसेस होंगे, इशू प्रोसेस सेम है। उसके बाद डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, उसको चार्ज फ्रेम किया जाएगा, और चार्ज फ्रेम के बाद फिर जैसे मूवमेंट चार्ज फ्रेम हो गया ट्रायल शुरू हो गया, और ट्रायल में फिर वही स्टेजेस है जो पिछली थी स्टेजेस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस सेक्शन 313, डिफेंस एविडेंस, और उसके बाद जजमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट्स के बाद जजमेंट, ये स्टेजेस वही सेम स्टेजेस हैं उसकी।
और अगर कहीं लगता है मैजिस्ट्रेट को कि बीच में कि यहाँ पे जो है इंक्वायरी के बीच में इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, तो इंक्वायरी को बीच में रोक के कहीं पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी, और मोमेंट जब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो इंक्वायरी उसी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे वो रुकी थी, वहीं से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, और उसके बाद फिर वही चार्ज, फिर मुख्य ट्रायल, और ट्रायल के बाद जजमेंट, फिर वही क्वांटम ऑफ सेंटेंस वगैरह वो उसके बाद होंगे। तो ये क्लियर है, स्टेजेस बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रायल जो हमारा टॉपिक था आज का, स्टेजेस बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रायल, क्लियर है। तो वही है, अगर कॉग्निजेबल केस आ गया है तो पहले इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। और अगर दूसरा केस है कंप्लेंट केस है, और कंप्लेंट केस में भी हो सकता है कि कॉग्निजेबल ही हो, लेटर पता लगे कि कॉग्निजेबल है, या फिर कॉग्निजेबल हो पर पुलिस जो है उसमें FIR वगैरह ना की और कंप्लेंट को खुद कंप्लेंट डालनी हो, तब दो स्टेजेस में चलेगा, इंक्वायरी और उसके बाद ट्रायल, और चांसेस है कि इंक्वायरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के साथ ओवरलैप कर जाए, ये भी चांसेस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? और कंप्लेंट केस में ये स्टेजेस होंगी, एक बार फिर रिवाइज कर लो, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, और इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो कोर्ट करेगी। पुलिस जो होगी वो पहले FIR करेगी, और उसके बाद कलेक्शन करके एविडेंसेस के, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको बताइए, इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और जब इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट कर लेगी तो अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देगी, उसके बाद इंक्वायरी होगी और ट्रायल चलेगा, ठीक है। इंक्वायरी में कॉग्निजेंस लिया जाएगा, इशू प्रोसेस डॉक्यूमेंट, हियरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम, प्ली ऑफ गिल्टी, चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा, प्ली ऑफ गिल्टी, प्ली ऑफ गिल्टी के बाद ट्रायल, अगर वो नहीं मानता तो अपना ऑफेंस नहीं मानता, ट्रायल। और ख्याल रखना, प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब भी जो होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा कर दो, प्ली ऑफ गिल्टी अगर हम क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस की बात करें तो प्ली ऑफ गिल्टी, गिल्टी मीन्स आई एम नॉट टेकिंग माई डिफेंस, मैं डिफेंस नहीं लूंगा, प्ले ऑफ गिल्टी का मतलब है आई एम नॉट टेकिंग माई डिफेंस, बट यू मस्ट प्रूव योर केस, ठीक है। मतलब मैं अपनी डिफेंस नहीं लूंगा पर आप तो केस को प्रूव करो ना, प्ले ऑफ गिल्टी में आप कैसे करोगे, प्रोसिक्यूशन है एविडेंस करा के 313 करा लो, पर मैं अपनी डिफेंस नहीं लूंगा, प्ले ऑफ गिल्टी में ये क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस कहती है कि प्ली ऑफ गिल्टी का मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन का काम नहीं खत्म होगा, प्ली ऑफ गिल्टी अगर हो गई है, किसी एक्यूज ने अपनी गिल्टी मान भी ली है तो प्रोसिक्यूशन का काम नहीं खत्म होगा, प्रोसिक्यूशन का तो उसे तो अपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस कराने पड़ेंगे, उसे तो अपनी डिफेंस जो है वो मतलब जो उसका 303 भी होगा, बस वो डिफेंस नहीं ले रहा अपनी, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, आर्गूमेंट्स नहीं करेगा, पर आप तो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट प्रूव करो, क्लियर है। उसके बाद कंप्लेंट प्रोसीडिंग जो होंगी वो उसके दो स्टेजेस होंगी, कंप्लेंट आगे सेक्शन 200 में, फिर डिसमिसल होगी, अगर डिसमिसल होगी ठीक है, नहीं हुई तो इश्यू प्रोसेस हो जाएगा, इश्यू प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद चार्ज,
इंक्वायरी खत्म हो गई, मूवमेंट चार्ज फ्रेम हो गया, इंक्वायरी खत्म हो गई, ट्रायल चल हो गया। ट्रायल में फिर वही है प्ली ऑफ गिल्टी, प्ली ऑफ गिल्टी के बाद ट्रायल है, ट्रायल में फिर वही स्टेजेस आ गई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस सेक्शन 313 की कंप्लायंस, डिफेंस एविडेंस आर्गूमेंट, उसके बाद जजमेंट, जजमेंट के बाद ट्रायल खत्म हो गया, फिर वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस वगैरह तो वो आगे तो फर्दर चलेगा, एग्जीक्यूशन वगैरह तो चलेगी, पर ट्रायल हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और इंक्वायरी के बीच में हो सकता है कि कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करा ले, और उस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो ओवरलैप कर जाएगी इंक्वायरी के साथ। ठीक है, क्लियर है?